सो हेलो फ्री फायर गेमर्स, वेलकम बैक अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल एमजी गेमर्स। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने FFCS इवेंट के रिडीम कोड के बारे में। हाँ मेरे भाइयों, जैसा कि मैंने आप लोग को सुबह वाली वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी थी कि हम लोग को FFCS इवेंट के दौरान रिडीम कोड देखने को मिल जाएगा, तो इसी की आप लोग को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं इस वीडियो में कि हमें FFCS इवेंट का रिडीम कोड जो है वो कौन सी डेट को मिलेगा, उसमें कौन से आइटम हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, आप लोग उसको कैसे क्लेम कर सकते हो और कहाँ पर मिलेगा, पूरी की पूरी डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में देने वाला होती है। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हो तो सिंपली यार चैनल को कर लो सब्सक्राइब और साथ में लगी नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट जरूर कर लेना, जिससे यार आप लोग को ऐसे फ्री फायर के अपकमिंग इवेंट और अपडेट की इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँ। और उसी के साथ साथ मेरे भाइयों, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देकर अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना अगर आप लोगों ने इतना काम कर दिया है। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने एक छोटे से इंट्रो के साथ। सो गाइस यार, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी सुबह वाली वीडियो में पूछा था कि आप लोग को FFCS के दौरान जो हमें रिडीम कोड मिलने वाला है उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वहाँ पे मेरे बहुत से भाई लोगों ने कमेंट करके मुझसे बताया कि हाँ भाई ये चाहिए। तो मैंने यार आप लोग के लिए एक बिल्कुल ही नई वीडियो बना दी है, इसमें आप लोग को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कौन सी डेट को मिलेगा, कैसे मिलेगा और कब आप उसको क्लेम कर सकते हो, कहाँ पर क्लेम कर सकते हो। तो चलिए यार सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि हम लोग को FFCS का जो रिडीम कोड है वो कौन सी डेट को देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई, और जैसा कि मैंने सुबह वाली वीडियो आप लोगों को हमारे FFCS इवेंट का कैलेंडर दिखाया था और उस कैलेंडर से जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल रही और जो लीक्स निकल के आ रही है उसके अकॉर्डिंग यार जो हमारा FFCS इवेंट का जो पीक डे होने वाला है वो 28 को होने वाला है। मतलब मेरे भाई 28 नवंबर को हमारे FFCS इवेंट का पीक डे होने वाला है। तो अगर 28 नवंबर को मेरे भाई फाइनल डे का वहां पर लाइव स्ट्रीम होता है या फिर जो जिस भी डेट को हमारा फाइनल मतलब लाइव स्ट्रीम होगा, जैसे FFCS इवेंट एक तरीके का हमारा टूर्नामेंट है, तो इस टूर्नामेंट का जिस दिन भी फाइनल रहेगा उस दिन यार हम लोग को लाइव स्ट्रीम के दौरान इसका रिडीम कोड दिया जाएगा FFCS इवेंट को। अगर आप लोगों को याद होगा तो हमारा जो FFIC वाला इवेंट इसके पहले आया था वहां पे भी हम लोग को एक रिडीम कोड दिया गया था, जिसमें यार हम लोग को एक शानदार सा बैकपैक, एक इमोट और रोबोपेट प्रोवाइड कराया गया था, जिसको यार हम लोग को गरेना फ्री फायर की ऑफिशियल रिडीम वाली साइट पर जाके रिडीम करना था। उसमें यार थोड़ा बहुत इशू आया था साइट का, लेकिन उसके बाद फिर से उसको उन लोगों ने फिक्स कर दिया था और उसकी मैंने यार सेकंड वीडियो भी बना दी थी कि और बता दिया था आप लोगों से कि हाँ भाई जाके फिर से रिडीम कर लो। तो जैसा कि यार आप लोग अपनी स्क्रीन पर कैलेंडर को भी देख रहे होंगे, इसमें यार जो पीक डे निकल के आ रहा है वो 28 नवंबर को निकल के आ रहा है। तो लाइव स्ट्रीम के दौरान अगर 28 नवंबर को लाइव स्ट्रीम होती है तो लाइव स्ट्रीम के दौरान ही हम लोग को इसका जो रिडीम कोड रहेगा FFCS इवेंट का वो प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, ये क्लियर होगा कि हाँ जो हम लोग को रिडीम कोड मिलने वाला है वो फाइनल डे पे ही मिलेगा लाइव स्ट्रीम के दौरान, जैसे कि यार पिछली बार FFIC इवेंट में मिला था। तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा जब यार जैसे ही रिडीम कोड मिलेगा, मैं उस दिन भी वीडियो बना के डाल दूंगा। और अगर अब यहाँ पे बात कर ले कि हम लोग को आइटम कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं हमारे रिडीम कोड के अंदर, तो यार मुझे जहाँ तक पता चला है और जो इन्फॉर्मेशन और लीक्स निकल के आ रही है उसके अकॉर्डिंग यार हम लोग को कोई ना कोई एक इमोट देखने को मिल सकता है। और जो सबसे ज़्यादा चांस बन रहे हैं यार यहाँ पे एक जो हमारे FFCS इवेंट की थीम पर बेस्ड एक इमोट हमारे गेम के अंदर एडिट किया गया था, जो कि यार अभी तक अनलॉक नहीं किया गया, तो मे बी यार हो सकता है कि ये इमोट हम लोग को प्रोवाइड कराया जा सकते हैं, क्योंकि यार अदर सर्वर में तो ये इमोट जो है वहाँ पर रिडीम कोड के दौरान दिया जा रहा है और वहाँ पर यार करेक्टर लेवल कार्ड भी दिया जा रहा है। तो इंडियन सर्वर में यार एक हम लोग को इमोट देखने को मिल सकता है, हो सकता है कि यही इमोट दे दे या फिर कोई पुराना इमोट भी दे सकते हैं, इमोट देखने को मिल सकता है। उसके अकॉर्डिंग गाइस और क्या क्या आ सकता है उसकी बात करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यार मे भी हो सकता है कि हम लोग को एक कोई ना कोई पेट दिया जा सकता है। अब पेट में भाई मेरे भाई कोई भी दे सकते हैं, पांडा दे सकते हैं, मैकेनिकल पब दे सकते हैं, सीबा वाला दे सकते हैं, या फिर जो वहाँ पर एक चीते वाला भाई रॉर क्या नियम है मेरे को कन्फर्म नहीं है, लेकिन कोई भी मतलब एक पुराना पेट हम लोग को दे सकते हैं, या केली वाला हो गया, क्योंकि यार इस बार इन लोगों ने रोबो पेट दिया था तो रोबो पेट तो यार दोबारा देने का कोई मतलब बनता नहीं है मेरे भाई। तो सेम यार उसी के तरीके हम लोगों को कोई ना कोई एक पेट प्रोवाइड कराया जा सकता है, या फिर हो सकती है कि हम लोगों को कोई ना कोई ग्लूहॉल की स्किन प्रोवाइड कराई जा सकती है, पुरानी कोई भी ग्लूहॉल की स्किन दे सकते हैं ये लोग हमको, या फिर रेड कलर की जैसा कि मैंने थंबनेल में आप लोगों को दिखाया वो ग्लूहॉल दे सकते हैं, या फिर ब्लैक कलर की एक है, या फिर और भी बहुत ढेर सारी ग्लूहॉल की स्किन है इन लोगों के पास, तो यार कोई भी ग्लूहॉल की स्किन हम लोग को प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि यार इसके पहले एक जो टीन के शेप की थोड़ी बहुत
साथ ग्लू ऑल थी जो कि यार ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन के साथ थी, वो भी यार रिडीम कोड में एक बार दिया जा चुका है। तो मे भी यार हो सकता है कि ग्लू ऑल की स्किन भी प्रोवाइड कराई जा सकती है या फिर कोई और अच्छा आइटम रेयर आइटम भी हम लोग को दे सकते हैं, जैसे कि यार हो गया कटाना की स्किन दे सकते हैं, बैकपैक दे सकते हैं या फिर जो भी आइटम हो दे सकते हैं। मतलब जो भी लीक निकल के आ रहे जो भी यार चांस बन रहे हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। और जो भी यार अगर जैसे ही मेरे को इसकी कंफर्मेशन की न्यूज़ मिल जाए कि हाँ भाई कौन से आइटम उनको पर्टिकुलर प्रोवाइड कराए जाएंगे, जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं उसकी 100% कंफर्मेशन के साथ आप लोग को वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। और अगर हम बात कर ले कि ये इसको आप लोग रिडीम कहाँ से कर सकते हो, सो गाइस यार नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को एक एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी जिसका नेम है यार माई 11 सर्कल। सिंपली आप लोग को इसको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद आप लोग को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा जहाँ पे आप लोग को सिंपली अपना यूजर नेम पासवर्ड और ईमेल आईडी फिल करके लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद आप सब लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आप लोग को बहुत ढेर सारे गेम देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आप लोग रिफर एंड अर्न से भी काफ़ी ज़्यादा इनकम कर सकते हो। और गाइस यार यहाँ पे आप लोग को बहुत ढेर सारे गेम मिल जाएंगे खेलने के लिए, उसके लिए यार सिंपली आप लोग यहाँ पे रिफर एंड अर्न से इनकम कर सकते हो या फिर आप लोग ऐड कैश करके भी यहाँ पे खेल सकते हो। तो ऐड कैश करके यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ और ऐड कैश करने पर यहाँ पे आप लोग को थोड़ा बहुत बोनस भी देखने को मिल जा रहा है। तो ऐड कैश करने के बाद आप लोग सिंपली यहाँ पे टीम मिल जाएगी, आप लोग को बहुत सारे यहाँ पे मैच वगैरह चल रहे हैं तो कोई भी मैच यहाँ पे आप लोग एक ज्वाइन कर सकते हो और सिंपली आप लोग अपनी यहाँ पे टीम वगैरह जो है बना के वहाँ पे आप बहुत ढेर सारे पैसे जो है विन कर सकते हो और उसे अपने बैंक अकाउंट या फिर पेटीएम में आसानी से रिडीम कर सकते हो क्योंकि इसका विड्रॉल प्रोसेस जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और गाइस यार आप लोग को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे देना चाहता हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है बहुत ही ज़्यादा ब्रांड न्यू है और बहुत ही ज़्यादा यार मार्केट में चल रही है। मैं भी इसको यूज कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा मेरे को इससे हेल्प मिल रही है और मैं बहुत ही ढेर सारे यहाँ पे टॉपअप करता हूँ इस एप्लीकेशन के माध्यम से। और गाइस यार ये जो एप्लीकेशन है उड़ीसा, असम, तेलंगाना, सिक्किम और नागालैंड इन 5 जगह पे ये एप्लीकेशन नहीं यूज़ होती है, नहीं काम आती है। तो आप लोग यार प्लीज़ अगर यहाँ से हो तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड मत करना और जो भी यार अदर जगह से जो भी है यार वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगी जाके यार डाउनलोड कर लो एक बार एप्लीकेशन को चेकआउट। तो यार हमारे फ्री फायर की rewardff.garena.com करके एक ऑफिशियल साइट है जहाँ पे हम लोग को अपने फेसबुक, जीमेल या फिर जिससे भी यार आपकी जो गेम की आईडी हो लिंक हो उससे यार लॉगिन करके वहाँ पे उसके बाद जो भी हम लोग को रिडीम कोड दिया जाता है उस रिडीम कोड को सिंपली हम यहाँ पे फिल करके लॉगिन कर देते हैं, ओके कर देते हैं और उसके बाद फिर हमारे जो गेम में मेल बॉक्स रहता है मेल बॉक्स में हम लोग को वो सारे के सारे आइटम प्रोवाइड करा दिया जाते हैं। तो ये हो गया यार हमारा रिडीम करने का जो भी प्रोसेस रहता है, मैंने पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन बता दिया आप लोग को, जो भी यार इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप लोग को दे दी और मेरे ख्याल से यार आप लोग समझ गए हो कि हम लोग को कैसे मिलेगा, कौन कौन से आइटम प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मेरे भाई चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑलवेज सेट जरूर कर देना और जैसे यार मेरे को 100% कन्फर्मेशन के साथ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ भाई कौन सी डेट को पर्टिकुलर डेट तो मैंने भाई क्लियर कर दी है, कौन से आइटम हम लोग को प्रोवाइड कराए जाएंगे उसकी कन्फर्मेशन जैसे मिलेगी नई वीडियो बना के मैं आप लोगों के लिए हाजिर हो जाऊंगा। तो चलिए फिर तब तक मिलेंगे बिल्कुल नए वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय।